हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ संध्या और आप सभी का स्वागत है संध्या इन रसोई में। आज मैंने बनाया अपने पसंद का लंच। उसमें मैंने बनाई बाजरे की रोटी और मूली की सब्जी, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बाजरे की रोटी कुछ इस तरह से बनाई। 1 कप पानी लिया और उसमें मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, और उसमें मैंने डाल दिया धनिया का पत्ता और थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच घी डाल करके बॉईल करने रख दिया। और यहाँ पर मैं मूली को छील करके कद्दूकस कर लूँगी। उसके बाद जब तक पानी बॉईल हो गया है तो मैं उसमें 1 कप बाजरे का आटा डाल दूंगी, जो कि अच्छा महीन पिसा हुआ आटा है। मैंने इसे घर में ही पीस के तैयार किया है। तो इस तरह से ये मैंने इसको डाल दिया है और गैस के फ्लेम को कर दिया है ऑफ, और ये बेलन की सहायता से अच्छे से मिला दिया है। और इसको मैं ढक करके रख दूंगी 10 मिनट के लिए, और ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। इसे फिर मसल मसल कर अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे आटा। और इस तरह से मैंने ढक कर रख दिया है। और अभी मैंने रख दिया एक पैन, और इसमें डाला मैंने सरसों का तेल। मूली की सब्जी सरसों के तेल में काफ़ी अच्छी लगती है, आप चाहें तो और कोई तेल भी रख सकते हैं। इसमें मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया है अजवाइन, और ये कुटा हुआ अदरक हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, मैं बिना लहसुन के बनाती हूँ इसलिए। और इसमें मैंने डाल दिया है मटर, और इसको अच्छी तरह से भून लिया है। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच बेसन, उसको भी अच्छी तरह से भून लूंगी मसाले के साथ। उसको भुन जाने के बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं बेसिक मसाले, जो कि धनिया है, हल्दी है, मिर्ची है, नमक है, और साथ में हींग जरूर इसमें डालना, क्योंकि हींग बहुत अच्छी लगती है मूली के साथ। तो इस मूली को मैंने पानी को निचोड़ा नहीं है, इसको ऐसे ही डाल दिया है कद्दूकस करके। और इसको मैं भून लूँगी अच्छी तरह से, और इसका पानी पूरा सूख जाएगा भूनते हुए। और कुछ देर के लिए इसे ढक करके पकाएंगे। और इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है ऊपर से थोड़ा सा, और इसको चलाते हुए ढक दिया है। और बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है मूली और बेसन की, और मूली की सब्जी बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर हमने आटे को मसल कर लोई बनाई है, और हाथों की सहायता से कुछ इस तरह से हमने इसको कर लिया है, जिससे कि इसकी किनारे हैं फटती नहीं है और अच्छी तरह से बिल जाती हैं। तो इस तरह से मैंने इसको गोल गोल कर लिया हाथों की सहायता से, और फिर इसको बेला है। एकदम से आराम से बिलती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, और बड़ी सॉफ्ट बनती है, बहुत ही अच्छी। तो इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है, पतला मोटा जैसा भी आपको रखना है आप रख सकते हैं, मैंने तो अच्छा पतला बनाया है। उसके बाद मैंने डाल दिया है तवे पर, और इसको अच्छे से पलट कर सेक लेंगे। और मैंने इसे कपड़े से दबा दबा करके इस तरह से सेका है, आप चाहें तो फ्लेम पर भी सेक सकते हैं। और फिर मैंने इसके ऊपर लगा दिया है घी, जो कि बहुत अच्छा लगता है बाजरे की रोटी में, इस तरह से घी लगाया हुआ। और घी लगाने से रोटी काफ़ी समय तक सॉफ्ट भी रहती है। और मेरी बाजरे की रोटी तो बहुत ही खस्ता बनी थी, बहुत ही टेस्टी, मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने बनाया इस तरह से लंच, बाजरे की रोटी और मूली की सब्जी का। आपको पसंद आए तो आप भी इस तरह से लंच ज़रूर बनाइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, और संध्या रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए बाय। और इस तरह से मैंने बाकी की रोटियां भी बना ली है, सारी रोटियां, जो भी मेरा आटा था मैंने उसको बना लिया है। और इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा देर के बाद इसे पलटेंगे, और मैंने यहाँ पर सर्व कर ली है पहले वाली जो रोटी थी वो, और मूली की सब्जी को सर्व कर लिया है। ये बहुत ही टेस्टी लंच था, मैं क्या बताऊँ आपको, आप भी ज़रूर बनाइए इस तरह से। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।